ओके, गुड इवनिंग। कल बस ये लास्ट पार्ट कर रहे हैं हमको ग्रेविटेशन का। ऑलराइट, एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 65। अजी तू आर यू देयर? हाँ सर, सही कह रहे हैं। अंजू की आवाज। क्वेश्चन 65, इफ द अर्थ वर मेड अप ऑफ स्फीयर और परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस, जीतू ओ जीतू, क्वेश्चन 65, एम आई ऑडिबल और नो? आफीफ, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, कौन सा सर क्वेश्चन नंबर? 65। हाँ सर, इफ अर्थ वेर अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस 6.4 × 10⁶ मीटर rotating about its axis with a period of one day, 8.64 × 10⁴ seconds, what is the difference in acceleration due to gravity from the pole to equator? What is the difference between acceleration due to gravity and poles and equator? Gp minus g, मतलब acceleration due to gravity poles पे कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कितना है, दोनों का डिफरेंस। ऑब्वियसली कल हमने देखा था पोल्स पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। ऑलराइट, और सबसे पहले एक फॉर्मूला देना चाहूंगा, हम लोग डिराइव करेंगे लेटर ऑन। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज 2 पाई बाय टी और दैट इज 2 पाई। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख के रखो, ओमेगा इक्वल टू कहीं पे भी लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिराइव करूंगा बाद में मैं, एंगुलर वेलोसिटी equal to period and equal to frequency, कहीं पर भी लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑलराइट, देखो एक बार फिर से प्रॉब्लम बताता हूं। अगर वो बोलते अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर होता, उसकी रेडियस इतनी होती, पीरियड इतना होता, तो व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स एंड इक्वेटर? Alright, we have seen yesterday this formula. Lambda is called latitude. मुझे एक बात बताओ, at poles lambda कितना होता है? कल मैंने बताया था, at poles lambda कितना होता है? Angle 90 degrees. Center to pole lambda 90 degrees. आवाज बहुत धीमे है। Therefore, zeta is g minus r omega square cos square 90. And that is equal to g minus r omega square into 0 and that is equal to g. At equator kya hoga? So 0 degree. Lambda equal to 0 degree. Kitna hota hai? Lambda? 0 degree. That's right. Bahut acha. Kiski awaaz thi ye? G at poles. G at equator will be g minus r omega square cos square 0. That is g minus r omega square. This is g at equator. Therefore, gp minus g will be equal to g minus r omega square. Or that is equal to r omega square. Actually, omega alag se nikal sakte hum log. ओमेगा को निकाल लेते हैं, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, पीरियड दिया है ना वो लोग ने 86,400 सेकेंड्स, 8.64 × 10⁻⁴, इसका मैंने वैल्यू भी दिखे आपको, शायद इसका आंसर आता है 7.268 × 10⁻⁵। और यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, एंड देयरफॉर दैट इज इक्वल टू R यानी 6.4 × 10⁶ × 7.268 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। When you simplify this, you will get answer as 3.38 × 10⁻²। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं एक बार रिपीट करूंगा, डोंट वरी, एक बार पूरा रिपीट करूंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा, एंड देन आफ्टर यू आर सेटिस्फाइड देन वी विल डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर।
then we switch over to the next chapter. Okay. Copy किया आपने तो मैं explain करना चालू करूं. Explain करना चालू करूं. 352 को आने नाम नहीं लिखा है. Who is 352? नाम लिखो अपना. Saraska. हाँ एक बार बताऊं एक्सप्लेन करूं. देखो प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, रेडियस दिया है, पीरियड दिया है, वी हैव टू फाइंड डिफरेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स एंड इक्वेटर. ये फॉर्मूला ड्यू टू लैटिट्यूड एट पोल्स लैम्डा इज 90. तो जी डैश इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90. जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर 0 बिकॉज़ कॉस 90 इज 0. तो जीपी इज जी. इधर जीपी लिख देते हैं वापस से. जी एट पोल्स जीपी at equator lambda is 0. If I put lambda is 0, the g equator will be g minus r omega square cos square 0. G minus r omega square. Difference between the two will be this minus this r omega square. Omega alag se nikalo 2 pi by t. Ye formula learn by heart kar rahe hain. Angular velocity, period or frequency ka. So 2 pi upon 8.64 into 10 to 4 ko upar likha, 10 to minus 4. Ye answer aaya. Isko yahan rakha, iska square kiya. And you will get this answer. I hope that's clear. All of you understood or no? Is this clear to everyone or there is a doubt? Maaz, oh Maaz, Murtaja, Om, Hussain, Vaishnavi. Clear. Okay. Yes, it's clear. The problem of this chapter, isi ke basis pe, question 67. क्वेश्चन 67 पढ़ो जी. तो हाँ सर, इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ अ अर्थ इज 7.26 इनटू 10 रेज टू माइनस 5 रेडियस पर सेकंड एंड रेडियस ऑफ अ अर्थ इज 6400 किलोमीटर कैलकुलेट द चेंज इन वेट ऑफ 1 केजी ऑफ मास टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल. Mass of the change in weight change in weight next thing can come. You know, mass always remains constant. The body यहाँ पे होगी, weight के जी की यहाँ पे होगी. Anybody can tell me poles पे होगी तो what will be weight at poles? Anyone can tell me what will be weight at poles if mass of 1 kg is here? Mass तो यहाँ पे भी 1 kg रहेगी, लेकिन weight बदलेगा. What will be weight here? Can I say Wp equal to क्या लिखो? Anyone? W का फॉर्मूला mg, तो यहाँ पे होगा mgp और यहाँ पे क्या होगा वेट एट इक्वेटर m इनटू g एट इक्वेटर. मास विल रिमेन सेम. यहाँ पे वेट होगा mgp, यहाँ पे वेट होगा mge एंड देयरफॉर दे आर आस्किंग डिफरेंस इन वेट नाउ. तो देयरफॉर ये फॉर्मूला यहाँ तक सेम है. देयरफॉर वेट एट पोल विल बी mgp and that is equal to mg. Already, I have mita deta hu, iski zarurat nahi hai.
and at equator, therefore, what will be weight at equator? Wp will be m into ge. That is m into g minus r omega square. Therefore, what is weight at pole minus weight at equator? Therefore, weight at pole minus weight at equator will be equal to m into gp minus m into ge. That is m into g minus m into what is g minus r omega square. That is mg minus mg plus mr omega square. That is mr omega square. That is one into अभी हमने निकाला था ना पहले वाले फॉर्मूले में r omega square का आंसर निकला था वो लिख दो या डायरेक्टली या इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 6.4 10 to 6 into 2 pi by capital T यानी कि 8.6 7.268 into 10 to 5 का square and when you simplify this you will get answer as सेम टू सेम आंसर रहेगा खाली न्यूटन रहेगा क्योंकि मास 1 केजी है 3.38 into 10 to minus 2 न्यूटन मैं एक्सप्लेन करूंगा डोंट वरी पहले कॉपी कर लो आई विल एक्सप्लेन यू हो गया कॉपी किया सभी ने मैं एक्सप्लेन करूंगा डोंट वरी एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली एकदम कॉपी किया उष्णा कॉपी किया उष्णा यस ओके भार्गेश कॉपी किया भार्गेश यस सर कर रहा हूँ थोड़ा ही ओके 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 कॉपी किया सभी ने कॉपी किया यस सर यस सर ओके अब मेरी बात सुन लो आराम से मेरी बात सुनो अल्टीमेटली वेट क्या होता है वेट और मास में फर्क क्या है वेट इज व्हाट वेट इज नथिंग बट एम इनटू जी वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये लोग क्या बोल रहे हैं एक किलो की एक मास थी उसको पहले हम लोग पोल्स पे लेके गए फिर पोल्स से ले धीरे धीरे ले गए इक्वेटर पे तो लोग बोलते डिफरेंस इन वेट क्या होगा तो डिफरेंस इन वेट इज नथिंग बट डिफरेंस इन एम जी पी माइनस एम जी आर यू फॉलोइंग वेट एट पोल विल बी एम जी पी वेट एट इक्वेटर विल बी एम जी एम जी पी एक्चुअली अभी अभी हमने कहता है एम कॉमन लेके जी पी माइनस जी वॉज आर ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पे देखो एम जी पी इज वॉट जीपी इज जी और एम जी क्या है जीई 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 ये ना जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ एम आर ओमेगा स्क्वायर आता है एम की वैल्यू वन आर की वैल्यू दी हुई ओमेगा की वैल्यू इस बार ये लोग ने दिया डायरेक्टली
इसका आंसर हमने निकाला था एम वन के, इसका पहले आंसर निकाला था हमने, वो आंसर आया था 3.3 × 10⁻²⁺ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इस बार एक केजी से मल्टीप्लाई करना है, तो एम इंटू जी बिकम न्यूटन, सेम आंसर विथ न्यूटन। आई होप दैट्स क्लियर। Is this clear to everyone? Difference in weight यानी mass into difference in acceleration due to gravity. Difference in acceleration due to gravity पहले problem में किया ही था हमने, gp minus g, उसका answer आया था r omega square, उसको खाली one से multiply करना है, one से यानी answer will remain the same, only unit will become newton instead of meter per second square. Is this clear? Afif, Afif, Jitu, Hussain, yes sir. Okay, तो इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। 12th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है जो कि जिसका कुछ कनेक्शन नहीं है और बहुत इजी चैप्टर है, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो, बुक है ना आप सबों के पास, यू हैव ना बुक, बुक है या नहीं? नो सर। यस सर, वी हैव द पीडीएफ। PDF है ना, बस PDF की बात है ना, लेकिन खरीद लो हार्ड कॉपी, प्लीज बाय हार्ड कॉपी। और हम लोग नोट्स आ गई है, नोट्स आई थिंक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो क्लासेस में जाके कलेक्ट कर लेना, दे विल इन्फॉर्म यू करेस्पॉन्डिंगली। और नोट्स हैव कम, मोस्टली दे हैव कम एंड मोस्टली दे विल इन्फॉर्म यू फ्रॉम टुमारो, यू स्टार्ट कलेक्टिंग द नोट्स। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत आसान है। अब है ना एक कांड बच्चे सर का एक एक वर्ड सुनूंगा मैं इस चैप्टर में, ग्रेविटेशन में जाने दो, जो हुआ सो हुआ, ऐसा दिमाग में रखोगे ना तो आप आगे बढ़ोगे। यू नो एक बार डिसाइड कर लो कि आप एक एक वर्ड सर का समझना है मेरे को, इस बार तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद मैं सबसे पहले लिखो स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ और जंक्शन थ्योरम। मैं एक ही बार बोलूंगा, आई एम गोइंग टू आस्क यू, वो बोलता है क्या मालूम है, एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। आप बोलेंगे सर क्या है एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज एक जंक्शन है पी और उसके ऊपर है ना ऐसे पांच कंडक्टर आके मिलते हैं, कितने कंडक्टर, पांच। इसमें से कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे सपोज करंट आया आई वन, यहाँ पे भी आया आई टू, यहाँ पे गया और यहाँ पे आया फिर से। ये लॉ कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दिस करंट इज इक्वल टू जीरो। तो अपन बोलते हाउ कैन बी जीरो, इतने सारे करंट जीरो कैसे हो गया, लेकिन उसने एक साइन कन्वेंशन रखी है। साइन कन्वेंशन क्या रखी, those current which come towards the junction are taken as positive and those which are going away from the junction are taken as negative. अब मुझे बताओ ये towards जा रहा है कि जा रहा है, I1 is out out या जाओ जाओ, I1 junction की तरफ आ रहा है कि जा रहा है, टूवर्ड आने वाला प्लस। व्हाट अबाउट आई टू, आई टू तो जा रहा है ना, आई टू जा रहा है ना, तो आ रहा है सर, दैट्स राइट। मैं चाहते थे कोई तो बोले, दैट्स राइट। व्हाट अबाउट आई थ्री, आई थ्री भी आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो माइनस आई थ्री माइनस आई फोर प्लस आई फाइव इक्वल टू जीरो and therefore I can say I1 plus I2 plus I5 equal to I2 plus I3। इसका एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या हो सकता है,
sum of the currents coming towards the junction is equal to sum of the currents going away from the junction. Kitna aasan hai ye, you can believe this. And let me tell you, I2 plus I3 kaise aaya? I3 plus I4 aana chahiye na. Yes, 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 bache. Lovely. Lovely. I1 plus I2 plus I5 equal to I3 plus F. Beautiful, G2. I liked it. Okay. So, kitna aasan hai ye? Kitna aasan hai? Dekho, ek bar phir se law bolta hu. Algebraic sum of electric currents at any junction in a circuit is equal to 0. Sign convention kya hai? Current coming toward the junction are taken as positive. Current going away from the junction are taken as negative. Example. Therefore, I1 plus I2 minus I3 minus I4. Iska alternative statement kya hai? It can be stated as current coming towards the junction. Sum of the current coming towards the junction is equal to sum of the current going away from the junction. Aisa bhi bol sakte iska matlab. नहीं समझे समझे और कौन स्टेटमेंट बोल इसका कौन कुरेशी सर मैं निकल गई थी अभी ज्वाइन की मैंने अरे क्या तुमको जब भी पूछो तुम ऐसे बोल देती हो वैष्णवी वैष्णवी दिस चैप्टर यू आर राइट फ्रॉम बिगिनिंग नो कनेक्शन विद प्रीवियस चैप्टर अन्न बोल द करंट The currents coming towards the junction are positive and the currents are going away from the junction are negative. Okay, chalo statement likho. Aisa likho. Title likho statements. Aisa likho. The algebraic sum of ye likho. Algebraic sum of electric currents at any junction in a circuit is equal to 0. ये लिख डालो और फिर लिखो टाइटल लिखो साइन कन्वेंशन करंट टुवर्ड करंट अबे ये लिख डालो साइन कन्वेंशन नंबर वन नंबर टू और फिर एग्जांपल ये डायग्राम बनाना और ये लिखना और यहाँ पे मैं अल्टरनेटिव स्टेटमेंट देता हूं और वैष्णवी अच्छा आंसर दो एकदम प्रॉपर आंसर दो यस सर कॉपी कर लो इसको और कोई डाउट है मेरे को पूछो यू हैव बीन 10 क्वेश्चन पूछने का मेरे को यहाँ पे लिखवाना चालू करूं यहाँ पे लिखा हूं एक बार फिर से शुड आई डिक्टेट और नो माज मुर्तजा विधि माज मुर्तजा विधि फिर उसका नाम क्या है हाँ से डिक्टेट कर दो रोशनी ओ yes, रोशनी कॉपी किया यहाँ तक कि नहीं कि कर रही हो अभी yes, भी sir. हो गया यस सर मुर्तजा कॉपी थई गई हो व्हाट योर वॉइस कुड नॉट बी हर्ड यस ओके अभी लिखो अल्टर ऐसा लिखो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट
टाइटल लिखो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट। 12th स्टैंडर्ड बहुत इजी है 11th से, ये ध्यान रखना। ऐसे लिखो, सम ऑफ द करंट्स कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन SUM sum, SOM meaning sum, SUM, sum of the currents coming towards the junction is always equal to sum of the current coming towards the junction is always equal to sum of the currents going away from the junction. The sum of the current coming towards the junction, second wala sir, is equal to the sum of the currents going away from the junction. उसके बाद में लिखो स्टेट किरचॉफ सेकेंड लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप थ्योरम। Algebraic sum of potential difference लिखना चालू कर दो स्टेटमेंट। टाइटल लिखो स्टेटमेंट, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में अच्छी तरह से। Algebraic sum of potential difference and EMFs, Algebraic sum of potential difference and EMFs in a closed loop, in a closed loop taken in the same sense of direction। लिखना चालू रखो मेरे साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा, और जरा भी समझ में नहीं आए तो मुझे आगे मत बढ़ने दो, किसी को भी आगे मत बढ़ने दो। पोटेंशियल डिफरेंस के पास ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में V इक्वल टू आई आर, और यहां पे लिख सकते हो कैपिटल E। साइन कन्वेंशन भी लिख डालो, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। साइन कन्वेंशन में कोने में लिख रहा हूं क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी। दिख रहा है ना? नहीं यहां से दिख रहा है। साइन कन्वेंशन यहां पे लिखता हूं मैं करंट, यहां पे लिखता हूं ईएमएफ, यहां लिखता हूं सेम, और यहां पे लिखता हूं अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में करंट इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये लिख के रखो, एक का साइन कन्वेंशन में डायग्राम बना के रखो, मैं मिटाने वाला नहीं हूं इसको। इस डायग्राम को हम मिटाने वाले नहीं है, ये डायग्राम बना लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको बाय मीन्स ऑफ एग्जाम्पल। और ऐसा भी लिख दो नोट,
direction of EMF E is always from negative terminal to positive terminal. Anybody can tell me, negative terminal kidhar hai isme? Right mein ki left mein? Negative terminal? Sir, right. Right, so negative to positive. Matlab this will be direction of EMF. Isme kya niche ya upar? Isme niche ya upar? Niche. Niche, to niche se upar. Negative to positive. Hamesha ye arrow fixed hai. Isko koi change nahi kar sakta hai. Always negative to positive direction of EMF. और ये मैं समझाता हूँ आपको, ये क्या सेम क्या है अपोजिट. तुम बोलोगे सर क्या चल रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, अब क्या कर रहे हो सर, सेम अपोजिट ये वो सर. मैं एक्सप्लेन करूंगा बाय मींस ऑफ एग्जांपल एंड इट विल बिकम क्लियर. लेट मी टेल यू, हो गया से एक मिनट कहाँ से हो गया ये कॉपी किया, ये भी कॉपी किया सभी ने, आपको कर दिया. ओके अब है ना, मैं आपको ये जो है ना स्टेटमेंट उसका क्लियर मीनिंग बताऊंगा. पीडी क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है, जीरो कैसे होता है, वो सब हम लोग समझेंगे. देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. Suppose there is a battery, this is internal resistance R1, this is another battery, internal resistance R2, and this is an external resistance R. This is E1 and this is E2. और ये तो हो गया, इसका नामकरण करते हैं A B C D A B C D E F. All right. अच्छा पहले तो बताओ ये EMF का डायरेक्शन मैंने नहीं बताया, कहां से कहां बताऊं. ये लोग ने EMF दिया 10 वोल्ट 20 वोल्ट, तो अपने को एरो कहां दिखाना है इसमें, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट. EMF का एरो टुवर्ड्स लेफ्ट दिखाना है कि टुवर्ड्स राइट इसमें. Left, left. That's right. All right. अब है ना यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को अपने आप करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख द करंट हियर, बैटरी गिव्स करंट ऑफ लेट अस से आई वन, और यहाँ पे बैटरी गिव्स करंट ऑफ लेट अस से आई टू. ये हमारा अज्यूम डायरेक्शन, दिस कैन चेंज है, आई वन आई टू कैन कम नेगेटिव, लेकिन हम लोग अभी अज्यूम कर रहे हैं कि I1 आया, तो I1 यहाँ से समझो I1 इसे छोड़ दिया, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा, यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितना आएगा करंट यहाँ से. ओ भाई ये यहाँ से I1 आया तो यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना होगा I1, और यहाँ पे जंक्शन है तो इन दोनों का मिलन होगा, I1 और I2 का आपस में मिलन होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा करंट वो बताओ, कोई कितना आएगा ये करंट, I1 plus I2. That's lovely answer, बहुत अच्छा answer है, I really love it. यहाँ पे भी I1 plus I2, यहाँ पे भी I1 plus I2, यहाँ पे भी I1 plus I2. अब यहाँ पे दोनों बिछड़ जाएंगे फिर से. अब तुम देख लो यहाँ पे I2 था तो यहाँ पे I2 जाएगा, यहाँ पे I1 था तो यहाँ पे I1 जाएगा, और इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गवा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गवा. ये डायग्राम कॉपी कर लो, इस डायग्राम को कॉपी किया जाए टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. बहुत बढ़िया, बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत मजेदार चैप्टर है ये. प्यारे बच्चों कॉपी किया क्या,
कॉपी किया क्या सर? कॉपिंग 2 मिनट. ओके नो प्रॉब्लम, आराम से. मुझे कभी कभी तुम लोग कॉपी कर लेते हो तो मुझे, मैं बिठा ना दो इसलिए कर रहा हूँ. हमारे पास समय कितना बचा है पता नहीं चल रहा है. हाँ 4 मिनट बाकी होने चाहिए मेरे हिसाब से, 4 मिनट्स. मैं क्लोज लुक का मतलब बताऊंगा पहले. कॉपी किया क्या आपने बच्चों? ओ प्यारे बच्चों कॉपी किया क्या? यस सर. क्लोज लुक का मतलब क्या मालूम है? स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन, कम बैक टू द सेम पॉइंट. जैसे सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ ए से, तो ए से मैं बी की ओर गया, बी से सी की ओर गया, सी से एफ की ओर गया और वापस ए को आया. तो दिस इज अ क्लोज लूप. एक क्लोज लूप है ना, स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन बट कंटिन्यूअसली गो ऑन ट्रेवलिंग इन द सेम सेंस. बोलो एक बार ऐसे ऐसे ट्रेवल किया तो ऐसे ही ट्रेवल करो, बीच में वापस यू टर्न नहीं मारने का. नंबर टू, सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम एफ, इवन एफ सी डी ई एफ इज ऑल्सो अ क्लोज लूप. सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम डी, तो डी सी बी ए एफ ई डी, स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट कम बैक टू द सेम पॉइंट. देखो स्टार्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज द सेम, इसको बोलते हैं क्लोज लूप. इसको बोलते हैं क्लोज लूप. इवन ऐसा भी चलता था, जैसे मैं बताऊं सी एफ ए बी सी, ये भी एक क्लोज लूप है. तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज लूप. क्लोज लूप के चारों एग्जाम्पल कॉपी कर लो. बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन ऑफ द सर्किट, कम बैक टू द सेम पॉइंट, कम बैक टू द सेम पॉइंट, दैट इज व्हाट इज क्लोज लूप मींस. अब है ना, इसका मतलब क्या? क्लोज लूप में है ना, हम लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ए से, पहले ए टू बी जाएंगे, उसके अंदर ए जो भी आएगा उसको अप्लाई करेंगे, फिर बी टू सी जाएंगे, डिफरेंट देयर आर यू नो कितने स्टेशन आ रहे हैं बीच में. ए से ट्रेवल किया बी, फर्स्ट स्टेशन, सेकंड स्टेशन, थर्ड स्टेशन, फिर वापस से वापस आ गया अपनी जगह पे. बोल रही, तो बेसिकली ए बी के बीच में हम लोग को अप्लाई करना है, बी सी के बीच में, सी एफ के बीच में और एफ ए के बीच में हमको ये अप्लाई करना है. यहाँ पे होता तो एफ सी सी डी डी ई ई एफ, यहाँ पे होता तो डी सी सी बी बी ए एफ एफ ई और ई डी. तो इसके बीच में हमें ये सब अप्लाई करना ही है. अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. इसे मिटाऊं, इसे मिटाऊं क्या? ओह यस सर. ओके अब मैं सबसे पहले जो मैंने पहले क्लोज लूप लिखा है वो बताता हूँ. ए बी सी ए बी CFA, ABCFA. Remember, इसमें कितने जर्नी है? पहले AB, फिर BC, फिर CF और फिर FA. ये डायरेक्शन ध्यान रखना. AB. अब AB के बीच में ना, हर एक के बीच में आपको करंट और E देखना है. करंट के टाइम पे यार हमको करंट इनटू रेजिस्टेंस करना है, वो ध्यान रखना. करंट इन, खाली करंट अकेला नहीं आवेगा, EMF अकेला आवेगा, बट करंट के, करंट का आंसर तभी आएगा जब उसके साथ रेजिस्टेंस होगा. जैसे BC, BC में सिर्फ करंट है, इक्वेशन कुछ देगा ही नहीं, ना ये देगा ना ये देगा. सिमिलरली FA या AF कुछ नहीं आएगा, FE CD इसमें कुछ नहीं आएगा, आएगा सिर्फ AB CF और ED के टाइम. लेट अस से AB, आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, A टू B और B टू A, आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम A टू B और B टू A, AB. Obviously, A से B की ओर जा रहा हूं. A से B की ओर जा रहे पहले EMF का किसान